स्वागत है आपका साउल जीरो ऑयल कुकिंग में। आज हम लाए हैं आपके लिए 7 डेज डायबिटिक सीरीज का डे 2 मेन्यू प्लान। ये एक बहुत ही स्वादिष्ट और न्यूट्रिशन से भरी रेसिपी है जो आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करेगी। तो चलिए हम डे 2 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम सर्व करेंगे ग्रीन मूंग दाल चीला ग्रीन चटनी के साथ। हम एक मिक्सचर जार में 2 बाउल सोक्ड ग्रीन मूंग दाल लेंगे, उसमें 1 से 2 ग्रीन चिली, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हींग, स्वाद अनुसार नमक, 3 से 4 मिंट लीव्स, 1/2 बाउल कोरिएंडर लीव्स, 1 कप पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। अब हम इस पेस्ट को 1 बाउल में निकाल लेंगे। इसमें 1/2 बाउल अनियन, 1/2 बाउल कैप्सिकम, 1/2 बाउल कैरेट, 1/2 बाउल स्पिनच, 1/2 बाउल कैबेज डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम एक गरम पैन में इस मिक्सचर को इस तरीके से डालकर और कवर करके पका लेंगे। हमारा ग्रीन मूंग दाल चीला बनकर तैयार है। इसे हम ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। मिड मॉर्निंग में हम सर्व करेंगे फ्रूट योगर्ट स्मूदी। फ्रूट योगर्ट स्मूदी बनाने के लिए हम 1 बड़े बाउल में 1 बाउल दही लेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम 1 बाउल एप्पल, 1 बाउल पोमेग्रेनेट, 1 बाउल कीवी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी फ्रूट योगर्ट स्मूदी बनकर तैयार है। इसे हम 1 बाउल में निकाल लेंगे और पोमेग्रेनेट से गार्निश कर लेंगे। लंच में हम मटर मशरूम ग्रेवी बनाएंगे। मटर मशरूम ग्रेवी बनाने के लिए हम एक मिक्सचर जार में 1 अनियन, 2 टमाटर, 2 ग्रीन चिली, 3 से 4 लहसुन कलियां डालकर 1 इंच जिंजर डाल के पीस लेंगे। पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम एक पैन में 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा डाल के भून लेंगे। अब इसमें 1 तेज पत्ता, 4 से 5 ब्लैक पेपर, 1 इलायची डाल के इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें बना हुआ पेस्ट ऐड करेंगे और इसे पका लेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल के पका लेंगे। अब इसमें जरूरत अनुसार हल्का हल्का पानी डाल के अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें 1 बाउल मटर, 1 बाउल मशरूम डाल के मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 बाउल पानी ऐड करेंगे
इसे ढककर अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें कोरिएंडर लीव से गार्निश करेंगे। हमारी मटर मशरूम ग्रेवी बनकर तैयार है। लंच में हम मटर मशरूम ग्रेवी के साथ मल्टीग्रेन चपाती, सैलेड और छाछ के साथ सर्व करेंगे। मिड इवनिंग में हम रोस्टेड चना सर्व करेंगे। डिनर में हम सौते वेजिटेबल्स सर्व करेंगे। सौते वेजिटेबल्स बनाने के लिए हम एक पैन गरम करेंगे, एक बाउल अनियन, एक बाउल मशरूम, एक बाउल ब्रोकली, एक बाउल कैप्सिकम, एक बाउल कैरेट और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ओरिगेनो डाल के पकाएंगे। अब हम इसमें हाफ बाउल पानी ऐड करेंगे और कवर करके इसे हल्का पका लेंगे। सौते वेजिटेबल्स बनकर तैयार हैं। इसे आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ भी सिंपल सर्व कर सकते हैं। आपको डे टू डायबिटिक सीरीज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और डे थ्री की रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी ही और रेसिपीज के लिए साउल जीरो ऑयल कुकिंग में बने रहें।